जी, हमारा वो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसका, हम लोग कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ये कर रहे हैं जुडिशरी की पावर्स हैं जो स्विट्जरलैंड में जो जुडिशरी की पावर्स हैं उनको हम देखें। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कोई भी कंटेंट है उसको फेडरल यूनियन यूज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्शन इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ऑल बी डिस्प्यूट रिलेटेड पॉलिटिकल राइट फंडामेंटल राइट से अगर कोई है, ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगर कोई भी डिस्प्यूट इस तरह का है फेडरल ट्रिब्यूनल उसमें लॉ कर। फेडरल ट्रिब्यूनल एंजॉयज लाइक द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बट इट इज़ अनऑथराइज्ड टू जज द वैलिडिटी ऑफ फेडरल लॉ। मतलब इसमें देखें कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, फेडरल ट्रिब्यूनल जो है वो एंजॉय करती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पर हमने पीछे देखा कि जुडिशियल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पर अगर कैंटोन कोई ऐसी अगर बनाते हैं, कैंटोन अगर कोई ऐसा लॉ बनाते हैं जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये लोग जुडिशियल रिव्यू का कंसेंट कर सकते हैं। पर इसमें ये फेडरल लॉज अगर कोई फेडरल लॉज बने हुए हैं तो उसकी वैलिडिटी को नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट फेडरल ट्रिब्यूनल इज़ अ लास्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर द केसेज रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के खिलाफ कोई केस है तो उसमें भी द फंक्शन ऑफ दिस परफॉर्म बाय द फेडरल ट्रिब्यूनल सिंस 1928 इट परफॉर्म द फेडरल असेंबली प्रायर टू। इससे पहले फेडरल असेंबली इसको करती थी। इट आल्सो सेटल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट रिलेटेड टू रेलवे एंड टैक्सेशन के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द स्विस फेडरल गवर्नमेंट हैज़ रिकॉर्डेड एज द हाईएस्ट कोर्ट एंड कंट्री बट इज़ नॉट पावरफुल एज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह ये पावरफुल नहीं है बिकॉज देर इज़ अ वेल नेट सिस्टम ऑफ कोर्ट्स ऑपरेटिंग अमेरिका। एक सिस्टम है उनका, देर इज़ अ नो सब्सक्राइब कोर्ट्स स्विस फेडरल, उनके सब ऑर्डिनेट कोर्ट उनके कोई भी नहीं है सब।